फ्रेंड्स, आज है सानिया की बर्थडे और घर वालों ने सानिया की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है संडे को। तो अभी मैंने और आसिफ ने डिसाइड किया है कि क्यों ना सानिया की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, क्योंकि हमने कोई ना कोई तो प्रेजेंट उसको देना ही था, तो क्यों ना उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। और काफ़ी दिनों से सानिया एक रेस्टोरेंट का नाम ले रही है, तो अभी आसिफ कह रहे हैं कि क्यों ना हम लोग सानिया को वहाँ पर ही लेके चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पहले आसिफ जो है सानिया को पिक करेंगे और फिर उसके बाद मैं सानिया का अच्छा सा मेकओवर करूँगी और उसके बाद फिर सानिया को लेके चलते हैं उसकी मनपसंद जगह पे। तो चलें फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, तो मैं आपको हमारी बर्थडे कल भी दिखाती हूँ और केक भी दिखाती हूँ जो सानिया अपनी पसंद से लेकर आई है, और सानिया ने आज खूब खर्चा करवाया आसिफ का। तो चलो देखते हैं केक कैसा लेकर आई, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा। तो चलो मैं भी देखती हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ। हेलो बर्थडे गर्ल। हेलो। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं सानिया का फुल लुक, और सानिया बहुत खूबसूरत लग रही है आज। क्लोज योर आइज, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो फ्रेंड्स, आज का मेकअप सानिया का मैंने किया है, और सानिया आप हमारे फ्रेंड्स को केक भी दिखाएं कि आप कौन सा केक लेकर आए हो। यार, केक वहाँ पे जाके दिखाएंगे ना, अभी बस आप ये दिखा दो कि हमने कौन सी केक से लिया है, बाकी हम लोग वहाँ पे जाके केक ओपन करेंगे। बहुत चलाक हो वैसे आप। अभी देर हो रही है यार। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो फ्रेंड्स को ये तो दिखाते ना कि कौन सी बेकरी से आप लेकर आए। चला जाओ, खाओ भाई हमारे फ्रेंड्स को केक। बहुत अच्छी कैंडल्स ली हैं, और वहाँ पे आपको दिखा, तो आप हमारे फ्रेंड्स, तो हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और पालमा कैफ़े रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। सानिया को बहुत पसंद है ये रेस्टोरेंट, तो चलो चलते हैं अंदर। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी खाना टेस्ट करके बताते हैं कि यहाँ पे खाना कैसा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और अभी भाई केक ओपन कर रहे हैं मेरा, जो कि मैंने खुद ही पसंद किया है। ये रही साइमा भाजी जी, और फ्रेंड्स यहाँ का व्यू बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है, बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आशीष तो बताएं आप, मतलब कि सानिया के लिए कौन सा सॉन्ग लगवा रहे हो? यार मैंने अनाउंसमेंट करवाई है बकायदा पूरे हॉल में ना, ठीक है, कि मेरी सानिया की बर्थडे आज, और सॉन्ग भी प्ले होगा साथ जैसे ही सानू कटिंग करेगी। और आप सानू को तो दिखाओ कि कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, सानी बहुत प्यारी लग रही है, और जैसे ही सॉन्ग प्ले होगा सब क्लैपिंग करेंगे सानू के लिए। क्या लग रहा है आपको? यार मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं अभी इस टाइम बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आप दोनों ने मेरा डे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया, थैंक यू सो मच। तो ये रहा हमारा केक, और हमने खुद ही एक पाउंड का लिया है, क्योंकि हम लोग तीन लोग थे तो इस वजह से हमने बड़ा केक नहीं लिया, क्योंकि इतना हम खाते नहीं हैं। और ये देख सकते हैं आप, हमारी बर्थडे गर्ल बहुत खूबसूरत लग रही है, और आसिफ ने सानिया के लिए अनाउंसमेंट करवाई है, और सब सानू के लिए क्लैपिंग करेंगे, और बर्थडे सॉन्ग भी अब प्ले होगा। तो चलो अभी सानू को करते हैं विश। yes. यहाँ पे सानिया का शूट हो रहा है, और सानिया बहुत खूबसूरत लग रही है, वो अभी ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद सानिया को विश करेंगे सब मिलके। ये रही इनकी टीम, और ये बहुत अच्छे से विश करते हैं, और देखते हैं। Happy birthday to you, happy birthday dear Sanya, happy birthday to you. सानिया के साथ केक कटवाएं। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सानिया को विश किया है,
बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये अभी आसिफ निया, अब बताएं आपको क्या खाना है, क्योंकि आज सारा मेन्यू जो होगा वो बर्थडे गर्ल डिसाइड करेगी हमारी। तो चलो देखते हैं अब सानिया। हाँ हाँ, सबके लिए, आसिफ के लिए, मेरे लिए और अपने लिए, आज आप ही डिसाइड करोगे। तो अब आप बताएं कि आपको क्या खाना है, जो आप मंगवाओगी वही हम खाएंगे, ठीक है आसिफ? ठीक है, सही कह रहे हो ना? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। दोपहर तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर आए तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि गर्मी है कराची में। बहुत मज़ा आ रहा है। आसिफ, आप मुझे डेली यहाँ पर ले आया करो प्लीज़। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारी सालगिरह होगी तो आ जाएंगे। हाँ ऐसा तो नहीं बोलो, आप बोलो ठीक है वाइफ, ले आया करूँगा। फ्रेंड्स, तो अभी हाफ केक हम लोग स्टाफ को दे रहे हैं और क्योंकि अभी इतना ज़्यादा केक है तो खाने वाले कोई है नहीं, तो इस वजह से हमने सोचा है कि हम लोग स्टाफ को भी दें और उनका हक बनता है। चॉकलेट तो मैंने उतार ली ऊपर से जल्दी से क्योंकि आसिफ, आपको पता है ना, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आसिफ कह रहे थे बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। क्या मंगवा रहे हो अपने लिए? यार मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा, आज सानिया। अच्छा जी, आसानियाँ करेगी आपके लिए भी? अच्छा चलो ठीक है। वैसे आपके पसंद का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई कढ़ाई नहीं है और देसी खाना नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो पेट लवर की बर्थडे पे पेट भी आया हुआ है और सारे बैठी कैसे तुम्हारी शादी में, वहाँ पे भाई जो सोफा था उसके ऊपर कैट सो रही थी। हाँ यार, पर यार क्यूट कितनी लग रही है, बैठी कैसे है? इसको थोड़ा सा केक दो। हाँ हाँ दो इसको भाई, दो बिल्कुल थोड़ा सा, उसका पता नहीं खाए ना खाए। फैट बहुत क्यूट लग रही है, नहीं खाएगी। नाराज है सानिया आपसे? नहीं खाएगी। खा रही है? खा रही है ना, मेरा थोड़ा सा और दे दो, कट कर, वो हाथ नहीं ना डालो मुंह में। क्या डिसाइड किया आपने? या मैंने डिसाइड किया है स्टार्टर में चिकन स्ट्रिप और पैरागन पास्ता किया है। अच्छा, और बीफ सैंडविच भाई के लिए, चिकन रोल और ड्रिंक्स को। अच्छा जी चलो ठीक है, चलो फिर ऑर्डर करते हैं। हाँ अभी वो आ जाए। चलो ठीक है, तो अभी हमारी बर्थडे का ऑर्डर दे रही है। चलें ठीक है। सानिया, ये स्लाइस क्यों रखा हुआ है आपने केक का, खा रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं खाने की पिक्चर्स के लिए रखा। यार कैंडल्स लगाना तो हम लोग भूल ही गए थे सानिया। अभी तो मैंने रखा स्लाइस के ऊपर कैंडल लगा ली ना। हाँ भूल गई थी यार कैंडल। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। अच्छा जी, तो ये सानिया का टेरिकॉन पास्ता आ गया, ये आसिफ का बीफ बर्गर और ये हमारा चिकन ब्रोस्ट। और पर ब्रोस्ट को तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दी लग रही है, आई थिंक तो सेम है ना। अच्छा जी, और ये हमारे चिकन स्ट्रिप्स। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो अभी आसिफ टेस्ट करके बताएंगे कि यहाँ का बर्गर कैसा है। आसिफ टेस्ट कैसा है यहाँ का, क्योंकि देखो व्यू तो बड़ा ज़बरदस्त है और अभी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं यहाँ का खाना कैसा है, है ना? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो सानिया, बर्थडे गर्ल, अभी वीडियोस वगैरह कैमरे वगैरह साइड पे रखो और खाना खाओ। हाँ ना यार, फिर ठंडा हो जाएगा फ़ायदा। फ्रेंड्स, तो मैंने
चिकन रोस्ट मंगवाया था, तो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि यहाँ का रोस्ट कैसा है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ के रोस्ट को थोड़ी सर्दी लग रही है। ज़बरदस्त। अच्छा बहन भाई का प्यार देके मुझे रोना आ गया। रो लो, चलो थोड़ा सा रो लो। फ्रेंड्स खाना हमने खा लिया है और खाना इतना अच्छा नहीं था जितनी अच्छी लोकेशन है, लेकिन खैर है मेरी वजह से आए थे भाई लोग और इन्होंने मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। भाई थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें।